सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। हेलो एरीज, मेष राशि वालों का स्वागत है मेरे चैनल स्टे मैजिकल हिंदी पे। और मेरा नाम है वैशाली और मैं एक साइकिक रीडर, एस्ट्रोलॉजर और न्यूमोलॉजिस्ट हूँ। ये जो रीडिंग है ये अगस्त के मंथ के लिए है। अगर आपका लग्न, आपका चंद्रमा जिसे हम हिंदी में कुंडली में राशि भी बोलते हैं, या आपका सूर्य है, अगर वो मेष में है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर ये आपका लग्न है मतलब आपका राइजिंग साइन है, या अगर आपका मून है मतलब राशि है, तो ये आपसे ज़्यादा मैच करेगा, ज़्यादा रेजोनेट करेगा। सन साइन से बहुत ज़्यादा नहीं करता है, तो आप उस हिसाब से अपनी रीडिंग जो है वो देख सकते हैं। तो पहले हम आपकी लव रीडिंग देखेंगे फ्रेंड्स, और उसके बाद हम आपका करियर, वर्क और फाइनेंसेस देखेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आपसे मैच नहीं करती है तो आप पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं, जो कि पेड रीडिंग होती है। व्हाट्सएप पे मेरा नंबर गिवन है। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने फिर से रिक्वेस्ट किया था सेल्फ लव के कोर्स के लिए, तो मैंने सेकंड बैच शुरू किया है, जिसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो 10 अगस्त से है और लास्ट डेट जो है इसकी रजिस्ट्रेशन की वो है 9th अगस्त। इसमें एक हीलिंग सेशन जो होगा वो फ्री होगा, और अगर जो लोग 1 अगस्त तक इसकी बुकिंग कराएंगे उन लोगों को फुल मून हीलिंग भी फ्री मिलेगी। तो अगर आप कराना चाहें तो आप करा सकते हैं। सो लव कार्ड में फ्रेंड्स हमारे पास आप लोगों के लिए है 8 of Pentacles रिवर्स में, उसके बाद है 7 of Cups, हर्मिट, साथ ही साथ है हमारे पास यहाँ पे 8 of Wands इन रिवर्स, 10 of Swords, 9 of Pentacles। लव कार्ड्स में हमारे पास है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, रिलीज योर एक्स, अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय फुली इंजॉइंग इट, कीप एन ओपन माइंड, और साथ ही साथ ये दो हमारे पास एडवाइस कार्ड हैं जो हम एंड में देखेंगे। मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दिया है सो दैट आपको कार्ड जो है वो आराम से दिख जाए। तो सबसे पहला कार्ड जो है फ्रेंड्स मुझे बताता है मोस्टली लोगों के लिए, स्पेशली जो लोग रिलेशनशिप में सिंगल है, अगस्त के मंथ में आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, लेकिन चीज़ें जो है उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है या उतनी स्टेबल नहीं हो पा रही है जितना आप चाह रहे हो। हो सकता है आपको किसी चीज़ को लेके बहुत क्लैरिटी ना रहे अगस्त के मंथ की शुरुआत में, और आप इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान रहो कि समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे सोचा था चीज़ें उस हिसाब से नहीं चल रही हैं। उसके बाद जो कार्ड्स हैं वो मुझे बताते हैं द हर्मिट कार्ड की, बीच में एक ऐसा टाइम आएगा कि आप थोड़ा सा ब्रेक लोगे या ये सोचोगे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है। यूनिवर्स आपके लिए बीच में एक ऐसा पॉज लेके आएगी, ऐसा वक्त लेके आएगी कि जिसमें आपको अकेले बैठ के सोचना होगा कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है, आप क्या चाहते हैं, ना कि दूसरा पर्सन क्या चाहता है। चाहे आप रिलेशनशिप में हो, सिंगल हो, मैरिड हो, कुछ भी हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे कार्ड है 8 of Wands। 8 of Wands बात करता है कि मे बी अगेन आपने कुछ सोचा था कि चीज़ें जो है उस हिसाब से जल्दी जल्दी चलेगी या आपके हिसाब से कुछ चीज़ें होंगी, बट एट द एंड वो चीज़ इतनी स्पीड में नहीं होंगी जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितना आपने सोचा था। एंड सॉरी टू से दिस थिंग फ्रेंड्स, मैं शुगर कोट नहीं करूँगी, सीधा सीधा बताऊँगी। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप ख़त्म होते हुए भी दिख रहा है कि आप बहुत समय से किसी पर्सन का वेट कर रहे थे और चीज़ें जो है वो आगे नहीं बढ़ रही है, और अब आप अगस्त के मंथ में ऐसा फील करोगे कि मतलब होता है ना कि इतना ज़्यादा थक चुके हैं हर एक चीज़ से कि अब बस हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा आप क्या कहते हैं कि परेशान महसूस करेंगे, स्ट्रेस महसूस करेंगे। और ये जो है इसका हर एक चीज़ का ना देखो रीज़न होता है, ये मत समझना कि आपके साथ ये कुछ गलत हो रहा है, कुछ ख़राब हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे मुझे एक न्यू किरण दिख रही है, या आप कह दो कि एक तरीके से आपके लिए एक लाइट दिख रही है। 9 of Pentacles का कार्ड है जो कि बात करता है आप उसके बाद अपनी लाइफ में कुछ स्टेबल चीज़ की तरफ बढ़ोगे, कुछ स्टेबल लेके आओगे। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप बहुत समय से किसी पर्सन का वेट कर रहे थे शादी के लिए, वो पर्सन अब नहीं आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप अगस्त के मंथ में डिसाइड करेंगे कि नहीं अब मुझे आगे बढ़ना है, आगे मूव करना है, क्योंकि मुझे शादी करनी है, मुझे प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में अब सोचना है। वही चीज़ है यहाँ पे, आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपको मदद कर सकते हैं। जो लोग मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है कि शुरुआती 14 अगस्त तक उनकी लाइफ में थोड़ी सी मैरिज में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप उन दिक्कतों से बाहर निकल के उन चीज़ों पे धीरे धीरे वर्क करके उनको ठीक करने की कोशिश करोगे। और इसमें मुझे ये लगता है कि आप इमोशनली स्टेबल ज़्यादा बनोगे, क्योंकि हो सकता है कि इस मंथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हो, हर एक चीज़ आपको दिल पे बहुत बुरी लग रही है, चुभ रही है, लेकिन अगस्त के मंथ में आप उन सारी चीज़ों पर कंट्रोल करना सीखोगे, उन सारी चीज़ों को मैनेज करना सीखोगे।
साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे कार्ड है अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय फुली इंजॉयिंग इट। तो ये कार्ड जो है वो बात करते हैं कि जितना आप, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जितना आप अपने आप के साथ इंजॉय करोगे, मीन्स कि कुछ लोग मुझे यहाँ पे सिंगल भी दिख रहे हैं, सेपरेशन में भी दिख रहे हैं, जो कि, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में भी है तो ऐसा हो चुका है कि आप लोग काफ़ी दूर है अपने पर्सन से। और ये जो कार्ड है वो बताता है कि अपने साथ वक्त बिताना सीखें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना या अपने ऊपर समय लगाना वो करना सीखें, कि अपनी चीज़ों पे ध्यान देना है, वो चीज़ आपकी अगस्त के मंथ में होगी। रिलीज़ योर एक्स, तो अगेन आप अपने एक्स को रिलीज़ करने वाले हैं। कीप एन ओपन माइंड, ये कार्ड जो है मुझे बताता है कि अगर आप किसी नई दिशा में जाना चाह रहे हैं अगस्त के मंथ में, कि अगर आप आगे रिश्ते देखना चाह रहे हैं या आगे आपने सोचा है कि अब आप न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे आपको कुछ भी स्टेबल चाहिए अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, तो थोड़ा सा माइंड ओपन रखिए। मतलब कि थोड़ा सा चेंज के बारे में भी सोचिए कि थोड़ा सा अगर आपको चेंज होना पड़े तो वो ख़राब चीज़ नहीं है। एडवाइस कार्ड में फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर है आपके लिए, बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। ये कार्ड जो है फ्रेंड्स मुझे बताता है कि यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है, व्हेन वी ड्रीम एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मे बी आपने शायद विश्वास खो दिया है कि यू नो चीज़ें आपके हिसाब से अब कभी ठीक नहीं हो पाएंगी, आपकी लव लाइफ कभी अच्छी नहीं हो पाएगी, तो ये कार्ड मैं इंट्यूटिवली पढ़ रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि विश्वास रखिए, चीज़ें जो है वो आपके फेवर में ही होंगी। साथ ही साथ यहाँ पर कार्ड है प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। ये वाला कार्ड जो है वो बात करता है कि मे बी आप इस चीज़ को लेके काफ़ी नेगेटिव सोच रहे हैं, काफ़ी गलत सोच रहे हैं, काफ़ी ख़राब सोच रहे हैं, पर यूनिवर्स कह रही है कि जो कुछ भी हो रहा है देखो उसका रीज़न है, इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचिए। मतलब कि अलग तरीके से सोचिए कि शायद उस पर्सन की जगह आप होते तो क्या होता, शायद उस पर्सन की कोई मजबूरी रही होगी या कुछ भी, सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा समझ के उनको माफ़ करने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको वापस जाना है उस चीज़ में, अगर आप सिंगल भी हैं तो आप ये सोचिए कि इस टाइम आप क्या क्या कर सकते हैं, इस टाइम आपके पास इतना टाइम है कि आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी जो एडवाइस है यूनिवर्स आपको देना चाहती है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम आपका वर्क, करियर एंड फाइनेंसेस देखते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपका वर्क एंड करियर देखते हैं, ये एडवाइस कार्ड हम यहाँ रख देते हैं और शुरू करते हैं। तो पहला कार्ड जो है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है यहाँ पर टावर का कार्ड, फिर है एस ऑफ कप्स रिवर्स में, फोर ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, डेविल और द फूल। ओके सो दिस, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास तीन मेजर अकानाज आए हैं। तो आपकी लाइफ में फ्रेंड्स अगस्त के मंथ में स्पेशली करियर एंड वर्क में कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, जो मुझे स्पेशली दिख रहा है। आप किसी चीज़ को लेकर या तो कन्फ्यूज रहेंगे शुरुआती दिनों में अगस्त के मंथ में, और या फिर किसी चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आप बहुत सारे काम करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ में कंफ्यूज हैं दो चीज़ों को लेके, उस चीज़ को लेके शुरुआती दिनों में आपको थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है, बट मुझे लगता है कि सडनली उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा। अब वो चेंज देखो अच्छे के लिए भी सारे चेंज होते हैं, लेकिन उस टाइम पे शायद वो चेंज आपको अच्छा ना लगे, या हो सकता है अच्छा भी लगे, लेकिन जैसे जो कार्ड्स है मुझे लगता है कि शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि भाई सब कुछ ख़त्म हो गया है, ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे स्ट्रेस दिख रहा है कि आप लोग जो है किसी चीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं अगस्त के मंथ की शुरुआती के दिनों में, लेकिन आप बहुत परेशान हो गए और अल्टीमेटली आपने वो चीज़ छोड़ दी है क्योंकि आप इतना मेंटली थक गए कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, और वही चीज़ मुझे यहाँ कार्ड्स में दिख रही है। उसके बाद यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है फ्रेंड्स, जो कि बात करते हैं कि मे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया था वो नहीं हो पाया, या इंटरव्यू हो सकता है, या फाइनेंसिस में कुछ नया सोचा था आपने लेकिन चीज़ें उस हिसाब से बनी नहीं, तो शायद थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आपको शुरू में हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ कप्स, या तो कोई पर्सन आपको हेल्प करेगा, वो पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है या फिर कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपको एडवाइस देगा। डेविल का कार्ड जो है वो बात करता है फूल के कार्ड के साथ, मैं इसको एक बार क्लेरिफाई कर लेती हूँ, प्लीज़ यूनिवर्स यहाँ डेविल का कार्ड आया क्यों है। किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, ओके सो किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स बात करता है कि ये आपके लिए देखिए एक तरीके से एडवाइस है जो आपको यूनिवर्स बता रही है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं कि आप कर रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, फिर कर रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ से किसी भी चीज़ से बाहर निकलिए। हो सकता है कि आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, जाना चाह रहे हैं क्योंकि बाकी लोग भी कर रहे हैं, लेकिन आप दिल से उस चीज़ को लेके पैशनेट नहीं है, उस वर्क को लेके, उस काम को लेके, तो उस चीज़ से दूर रहिए। ये कार्ड ऐसे भी बात करता है कि किसी बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट मत करिए कहीं पर भी,
जल्दबाजी में ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में कोई डील साइन मत करेगा, कोई एग्रीमेंट मत करेगा, सोच समझ के करेगा जो भी आप करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड आया जो कि यही बात करता है कि जो कुछ भी काम अगर आप अगस्त के मंथ में करते हैं तो सोच समझ कर करें। सो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपके एडवाइस कार्ड देख लेते हैं। सो सबसे पहला जो कार्ड है हमारे पास वो है क्रिस्टल क्लियर इंटेंशन। बी क्लियर अबाउट वॉट यू डिज़ायर एंड फोकस अपॉन इट विदाउट अनफेवरिंग फेथ। ये कार्ड जो है वो बात करता है अगेन कि अगर आप किसी चीज़ को लेके क्लियर नहीं है तो पहले क्लियर होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या चाहिए और कैसे चाहिए। दूसरे क्या कर रहे हैं उस चीज़ को देख के अपना रास्ता मत बदलिए आप, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि हो सकता है कि आप किसी ऐसी दिशा में जा रहे हैं जहाँ पे आप खुश नहीं है, लेकिन वो आप काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि या तो आप किसी और को देख के सोच रहे हैं कि आपका भी इसमें अच्छा हो जाएगा, या फिर आपको किसी की तरफ से प्रेशर हो सकता है। साथ ही कार्ड है यहाँ पे ब्रिलियंट आइडिया। येस योर आइडिया इज़ डिवाइनली गाइडेड, प्लीज़ टेक एक्शन टू ब्रिंग योर आइडिया टू फ्रूट्यूशन। ये कार्ड जो है वो बात करता है मे बी आप लोग काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी क्रिएटिव है, कोई टैलेंट है आपके पास या कोई आइडिया है आपके पास किसी नए काम को शुरू करने का या इस पुराने काम को ही अच्छी तरीके से शुरू करने का, लेकिन आप वो रिस्क नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप जो है समझ नहीं आ रहा आपको क्या करें कि क्या नहीं करें। तो यूनिवर्स कहती है कि उस आइडिया के बारे में सोचें और एक प्रैक्टिकल प्लान बनाएं उस चीज़ को लेके। साथ ही यहाँ पे कार्ड है क्लियर ऑडियंस, नोटिस द लविंग गाइडेंस यू हियर इनसाइड योर माइंड और फ्रॉम अदर पीपल। ये कार्ड जो है वो बात करता है कि यूनिवर्स आपको गाइड करने की कोशिश कर रही हैं, आपको मैसेजेस दे रही हैं, मे बी आपके फ्रेंड्स के थ्रू, कुछ लोगों को म्यूज़िक के थ्रू भी हो सकता है, किसी ना किसी पर्सन के थ्रू या आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको आपकी जो गाइड्स हैं, यूनिवर्स है, भगवान है, वो कुछ मैसेज देना चाहते हैं आपके वर्क को लेके। तो उस चीज़ पर ध्यान दीजिए, उस चीज़ को सुनिए। और अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप किसी भी तरीके की रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं। बाय, टेक केयर।